नॉर्मल डिलीवरी आप भी जाती हैं, तो क्या आपको मालूम है नॉर्मल डिलीवरी के लिए 9वें महीने में आपको कौन सी बातों पर ध्यान देना है जिससे आसानी से कम दर्द कम पुश में आपकी डिलीवरी हो और लेबर पेन सही समय पर है? क्योंकि हर 10 में से 1 से 2 महिलाएं ऐसी पाई जाती हैं जिन्हें सही समय पर लेबर पेन कॉन्ट्रैक्शन आता ही नहीं है, बच्चे ने सर नीचे कर लिया है, लेकिन लेबर पेन का आना उतना ही जरूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के जितना जितना बच्चे का सर नीचे करना और बच्चेदानी का मुंह का खुलना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि नेचुरल तरीके से आप लेबर पेन को कैसे इंड्यूस करती हैं घर पर ही नेचुरल तरीके से, जिससे कि सही समय पर ईडीडी के आसपास आपको लेबर पेन आएगा। तो अगर आप भी 9वें महीने में हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड, जिन टिप्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उन्हें आपको अपनी ईडीडी से हफ्ता 10 या 15 दिन पहले ही फॉलो करना है। इससे फॉलो करने के बाद मे भी आपको 10 दिन में 15 दिन में हफ्ते भर में लेबर पेन आ सकता है। तो डिलीवरी डेट के आसपास अगर आपकी डिलीवरी होती है तो एकदम सही माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं टिप नंबर 1, निप्पल स्टिमुलेशन टिप। निप्पल स्टिमुलेशन टिप में आपको क्या करना है, 5 मिनट एक निप्पल को, 5 मिनट एक निप्पल को रोजाना ऐसे मसाज करना है। आपको ऑयल जरूर लेना है क्योंकि इस टाइम में आपके मिल्क ग्लैंड्स एक्टिव रहते हैं, आपका दूध निकलता है, स्किन काफी सेंसिटिव रहती है तो कट लगने का डर रहता है। और इसीलिए आप कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल या किसी भी प्रकार का ऑयल मॉइस्चराइजर क्रीम लेकर ऐसे ऐसे मसाज करें। इससे आपकी बॉडी में लेबर पेन लाने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज होता है और सही समय पर आपको कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। लेकिन हफ्ता 10 दिन पहले ही आपको या 15 दिन पहले ही आपको फॉलो करना है। अगर इसे फॉलो करने के बाद आपको हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन आने स्टार्ट हो गए हैं तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। ऐसी कंडीशन में कई बार आपकी डिलीवरी 1 से 2 दिन या 3 दिन में हो सकती है। टिप नंबर 2, आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। इफ यू फील कंफर्टेबल, प्लेसेंटा की समस्या नहीं है, कोई भी समस्या आपको नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, पानी गर्भ में ज्यादा नहीं है, बच्चा सही पोजीशन में है, आपको पेन्स नहीं आ रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि सब कुछ सही तो रिलेशन मेंटेन करने से भी आपकी बॉडी में आपका जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्शन आने के लिए तैयार होता है, उत्तेजित होता है और कॉन्ट्रैक्शन आपको सही समय पर आते हैं। आपको गर्म चीजों का सेवन करना है, अदरक लहसुन का सेवन आप बढ़ा दीजिए, केसर दूध, हल्दी दूध, खजूर दूध का आपको सेवन करना है। इनकी तासीर गर्म होती है जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करती है। आपको सीढ़ियां उतरना चढ़ना है, कीगल एक्सरसाइज आप कर सकती हैं, आप डग वॉक करिए, आपको क्या करना है चेयर को पकड़ के ऐसे ऐसे बैठना है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी श्रेणी पैल्विक एरिया फैलता है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप मजबूत होती है। इंडियन टॉयलेट का आपको यूज करना है, उससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको ज्यादा मिलती है। आप रात को सोने से पहले आपको गाय के शुद्ध देसी घी को दूध में मिलाकर पीना है, उससे भी आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होती है। इन सारे टिप्स को आपको 9वें महीने में यूज में लाना है। वही काफी महिलाएं काफी ज्यादा वेट गेन कर चुकी हैं और उन्हें बीपी की समस्या है तो घी का सेवन आपको नहीं करना है। थायराइड की समस्या है तब भी आप घी का सेवन ना करें। पानी आपको खूब सारा पीना है, गुनगुना पानी अगर आप पिएगी तो उसे भी आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी होती है। तो गर्भावस्था के कौन से महीने में आप है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।